भारत की प्रसिद्ध कार कंपनी टाटा रोल्स रॉयस का देश के साथ साथ विदेश में भी काफी नाम है। इस नाम के साथ ही उन्होंने मार्केट में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। लेकिन नाम कमाने के अलावा इस कंपनी के साथ एक ऐसा कड़वा सच भी जुड़ा हुआ है जिसे आज तक बहुत कम लोग ही जानते हैं। हम बात कर रहे हैं सन 1920 की, जब रोल्स रॉयस कंपनी को उस दौर में काफी बड़ा और सबसे महंगा ब्रांड माना जाता था, जिसे खरीदने की हैसियत सिर्फ राजा और महाराजा लोग ही रखते थे। एक बार अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर लंदन की सड़कों पर घूमने के लिए निकले थे। वहीं उसी बीच उनकी नजर रोल्स रॉयस के शोरूम पर जा पड़ी और वह अंदर चले गए। राजा जयसिंह प्रभाकर उस वक्त साधारण वेशभूषा में थे और उनके चेहरे पर भारतीय होने का घर झलक रहा था। राजा जयसिंह शोरूम के अंदर गए और वहां खड़े सेल्समैन से उस गाड़ी के बारे में और उसकी कीमत के बारे में पूछने लगे। साधारण पहनावे और भारतीय चेहरे को देखकर सेल्समैन ने राजा जयसिंह का खूब मजाक उड़ाया और उन्हें धक्के मारकर शोरूम से बाहर निकाल दिया। जय सिंह अपने साथ हुए इस अपमान को सहन न कर सके, जिसके बाद वह होटल गए और अपने सेवकों को आदेश दिया कि वह रोल्स रॉयस शोरूम जाएं और वहां के कर्मचारियों को कहे कि उनके शोरूम में अलवर के राजा जय सिंह प्रभाकर पधारने वाले हैं। सेवकों ने रोल्स रॉयस के शोरूम जाकर वहां के लोगों को सूचना दे दी, जिसके बाद उनकी आवभगत की तैयारी के लिए वहां पर सारे इंतजाम किए गए और स्वागत के लिए लाल रंग की कालीन बिछाई गई। राजा जयसिंह अपने शाही लिबास पहनकर शोरूम पहुंचे, जहां उन्हें देखकर हर किसी ने उनका स्वागत किया और वहां के सेल्समैन की ये देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद राजा ने वहां रखी 6 गाड़ियों को खरीदने का फैसला किया। गाड़ियों को खरीदने के बाद वे अपने देश भारत लौट आए, जहां उन्होंने आदेश दिया कि इन 6 गाड़ियों को नगर निगम को कचरा साफ करने के लिए दान में दे दिया जाए। राजा की इस आदेश को उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद नगर निगम ने 6 रोल्स रॉयस गाड़ी का इस्तेमाल गोबर साफ करने, कचरा उठाने और सड़क पर झाड़ू लगाने में किया। जब भारत की सड़कों पर ऐसा कारनामा हुआ तो सभी यह देखकर हक्के बक्के रह गए और इसी के साथ इस खबर ने तुल पकड़ ली। जब यह खबर ब्रिटेन तक पहुंची तो इस बात का उन्हें काफी गहरा सदमा लगा, जिसके बाद रोल्स रॉयस के मालिक ने अपने सेल्समैन की तरफ से उनको एक माफीनामा पत्र लिखकर भेजा, जिसमें लिखा गया था कि हम अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा है राजा जी, कृपया इन गाड़ी के बजाय हमारी अन्य गाड़ियों को भेंट के रूप में स्वीकार करें। राजा जय सिंह इस माफीनामे पत्र से बेहद प्रसन्न हुए, जिसके बाद उन्होंने नगर निगम से गाड़ियों में कचरा उठाने के लिए मना कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को सबक सिखाकर राजा जय सिंह प्रभाकर ने ना तो सिर्फ अपने साम्राज्य को अपमान मुक्त करवाया, साथ ही देश को भी गौरवान्वित महसूस करवाया।